छत्तीसगढ़ के आदमी के लिए क्या हो रहा है वहां पर, छत्तीसगढ़ के सीएम को क्या क्या कहना पड़ा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इतना अगर ये चिंता का विषय है, एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले ट्रांसपोर्ट करें मनी को या बांटेंगे हमें हराने के लिए, ये आरोप लगाना कि नौबत क्यों आई। और जो छापे पड़ रहे हैं ईडी वाले खुद ही पकड़े गए रास्ते में, तो पूरा कंट्री में फैल गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी हैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, जो अपराध करते हैं उनको पकड़ना आवश्यक है, तभी रेवेन्यू आएगी सरकार के खजाने के अंदर। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर के अगर आप ध्यान दोगे ही नहीं, बदले लेने की भावना से आप खाली सरकार में घिराओगे बनाओगे, तो आप बताइए कि उनका क्या, वो तो छूट रहे हैं, उनके ध्यान जाएंगे इन लोगों का, जिनके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स का काम है, उन पर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर इनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, नुकसान तो देश को ही होगा ना। चिंता में उसकी है, चिंता इसकी नहीं कि आप नोटिस दे दिया, बुला लिया ऑफिस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए वो इंटरवीन करे इसके अंदर। चुनाव के अंदर आप एक पार्टियों को खाली, विपक्ष को एक भी बीजेपी नेता के यहां ईडी नहीं गई है, हिन्दुस्तान के अंदर इनकम टैक्स नहीं गया है, सीबीआई नहीं गई है।